साजिद भाई जो खो गए हैं उनके ऊपर। तो साजिद भाई के जो जीजा जी हैं उनको हम कॉल करते हैं और उनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या हुआ और कैसे सच में खोए हैं या नहीं खोए हैं। चलो फिर अभी कॉल लगाते हैं और आपको बात करवाते हैं उनसे भी। आइए कॉल लगा बहुत बड़ा चैनल है वो, थोड़ा उनको अपने पास रखे करो। मतलब कलकत्ता से आए ठीक है, आने के बाद जो कि उसका माँ को बोला उसे क्या आए शाम को 7 बजे लगभग ठीक है। और हम भी हाथ पैर अपना धोने गए, थोड़ा फ्रेश होने गए थे, हमको क्या पता कि आप भी चल जाएंगे, इतना अच्छा जगह घूम घाम के आए, इतना अच्छा उसको ये मिला रिस्पॉन्स मिला है ना। अभी भी वो घूम गए उस माँ से घूम के आए थे, पूरा ब्लॉग देखता हूँ आपका मैं पूरा A to Z। हाँ तो घूम घाम के आए, आने के बाद माँ को बोल रहा है कि आप थोड़ा बाहर तरफ से आए, अच्छा, अच्छा। तो जाने दे बाहर तरफ जाना, मगर बच्चा यही तो सामने को मोड़ है ठीक है, तो बस बाहर तरफ गया ना गया, फिर आया ही नहीं है। हम भी आके सो गए थे, तो रात पार हो गया, फिर हम पता लगा रहे तो लेने यार इतना इतना बड़ा जगह है ना, कैसे ढूंढेंगे फिर। चलो कोई नहीं, अब भगवान से दुआ मंगाओ, दुआ मंगाओ जल्दी मिल जाए साजिद भाई। हाँ तो पता चल गया कि देवघर में है, तो लेकिन देवघर का ही सब हम अलर्ट कर गए और हम भी जा रहे हैं वहीं पर। तो जाओ थोड़ा जल्दी जाओ, देखो नहीं तो फिर देखो क्या पता, वो बहुत से होते कि नहीं है फोटो वोटो सेल्फी भी लेते हैं, जल्दी बताते भी नहीं है। हाँ यही चीज तो दिक्कत खा जाती है फिर बाद में, ये नहीं सोचते कि जल्दी बता दूं फिर आके आपस आके अपना ले जाओ सही सलामत। अब कितने होते हैं कि उसका फायदा उठा लेंगे YouTube पे वीडियो, समझ नहीं है ना। अरे आजकल का माहौल भी तो बहुत खराब हो गया ना, कि क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हो चुके हैं, हर कोई सोच रहा है कंटेंट कहाँ से मिले। हाँ। यही चीज मार खा जा रहा है हर चीज। सारा वही हाल है ही, क्योंकि कोई एक क्या जाता है इतनी भीड़ लगा लेते हैं ओनली उसी के लिए, और कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं, ओनली वीडियो बस, सबका मकसद यही होता है। चलो कोई नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपने कॉल रिसीव किया। नहीं तो मेन चक्कर ये है ना कि जल्दी कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं डालता है अपना पर्सनल नंबर, तो आपने कॉन्टेक्ट नंबर डाला अपना, तो इसलिए सब लोग वो हो रहे हैं कि रियली है कि फेक है, तो सब लोग कॉल करके ट्राई कर ले रहे हैं, पर आपने तो रियल में डाला था जैसा कि मैंने अभी ट्राई किया आपको। अच्छा, तो एक बार आपका कॉल आया लेकिन फिर कट गया। हाँ छोड़ो यार, नहीं तो मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था कि सही में ये कॉल उन्हीं का है, तो फिर आपकी मैंने आवाज़ पहचानी, तो फिर मैंने लगा चलो कोई नहीं दोबारा बात करता हूँ अच्छे से, तो देखते हैं फिर, तो बात करके अच्छे लगा। मैं बकते बकते मेरा गला बैठ। हाँ देखा था कल आपका 1 घंटे का लाइव था, कल पूरी लाइव में मैं ज्वाइनिंग था मैं। और कोई और भी फोन कर रहा, देखते तो कौन है। चलो ठीक है फिर। जी व्यक्ति संगे आपने कथा बोलछेन तिनी आपनर कॉल थी। तो अभी आप कट गया है, बहुत लोग फोन कर रहा, कोई तो मतलब मेरा हेल्प करने के लिए नहीं फोन कर रहा, सब अपना मतलब के लिए फोन कर रहा है। मैं भी परेशान हूं, साजिद भाई खो रखे है, इधर सबको अपने चैनल की पड़ी है, बताओ। हाँ, इधर मेरा सर दर्द से फट रहा है, टेंशन से ज्यादा कर चैनल का बताओ। चलो कोई नहीं, अब साजिद भाई मिलेंगे, थोड़ा उनका ध्यान रखो अच्छे से। ध्यान मतलब अब कैसे रखेंगे बताओ, भाई बोल रहे कि भाई हम थोड़ा इधर से आ रहे बाहर से, हम उसको कैसे जाने नहीं दे। ये भी बात सही है, नहीं थोड़ा वही है ना कि थोड़ा बहुत उनके साथ साथ में रहो तो ज्यादा अच्छा रहता है, बेटर रहता है कि कहीं जा रहे हैं तो उनके थोड़ा साथ चल जाओ 2 मिनट के लिए, क्योंकि आदत बड़ी खराब है आपको क्या बताएंगे। वही तो मेन बात ये है ना कि अब साजिद भाई नहीं रहे ना, मेन चक्कर है अब उनके 2 लाख फैन फॉलोइंग है, तो वो सब भी देखना पड़ता है ना। तो ये चीज थोड़ा आप उनको बताओ कि साजिद भाई ऐसे ऐसे बात है कि आप वो नहीं रहे, पहले वाले साजिद खान नहीं रहे, आपके 2 लाख फैन फॉलोइंग, आप ऐसे गायब हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा, आपको सब कुछ आपको ही देखना रखना है। पूरा बताते हैं, सब कुछ उसको बताते हैं। पर वही बात लोग हमको गलत बोल रहे हैं।
ये बात समझाओ उनको थोड़ा आराम से, प्यार से, तसल्ली से कि साजिद भाई आपके पीछे 2 लाख फैन फॉलोइंग है, आप ये सब करोगे तो कैसे चलेगा? मेन वही तो मैं वही देखता हूँ कि सारा कुछ सारा कुछ देखता हूँ आप ही हैंडल करते हो, तो मैंने फिर वही देखा कि सब कुछ आप ही संभाल रहे हो साजिद भाई। तो बस वही है कि उनका सिर्फ जो उनका जो फेस रिवील है बस वही उसी से जाना जाते हैं वो। हाँ। और बाकी जो उनका जो जो उनका वीट है जो डीजे का, वो तो और ज्यादा फेमस है, कहियो पता नहीं कितना मिलियन गया था वो, वायरल है वो। जय भोलेनाथ वाला तो वो भी। चलो तो देखो साजिद भाई मिलेंगे तो फिर डालना वीडियो, ठीक है? पूछना हो थोड़ा सा, थोड़ा हो सके उसको दिमाग वमाग दो अच्छे से, माइंड में भरो उसको साजिद भाई। चलो फिर ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। ठीक है, कुछ अभी तो फिलहाल में ही कल साजिद भाई खो गए थे, एक बार और भी खोए थे तो मिल गए थे। दोस्तों ये जो बात है बिल्कुल रियल है, 110% रियल है, आप लोग फेक मत समझिए। साजिद भाई सच में जो है गायब हो चुके हैं, और जो साजिद भाई हैं वो गायब इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि वो जो थोड़ा सा ना ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं, वो इसीलिए गायब हो जा रहे हैं, मतलब खो जा रहे हैं, मतलब उनको रास्ते का अनुभव नहीं है शायद इसलिए। तो आप लोग फेक ना समझें और व्यू के लिए ऐसा कर रहे हैं ऐसा भी ना समझें। हमने ये जो नंबर जो उन्होंने दिया था लाइव आके, और जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल रियल दिया था, उनसे पूरा रियल बात किया हमने, बिल्कुल रियल है, सारी चीज़ें रियल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि उनको भी पहुँच उनके पास भी पहुँच जाए जो इन बातों को फेक समझ रहे हैं। और हो सके जल्दी जल्दी साजिद भाई कहीं भी मिले तो फिर कॉन्टैक्ट करो उस नंबर पे, तो वो रियल वो कॉन्टैक्ट नंबर वो रियल है। तो हमने भी वही चीज़ किया, तो हमने बात करके अच्छा लगा उनके जीजा से क्योंकि सारा कुछ वही जो हैंडल करते हैं। तो फिर कहीं भी मिले तो कांटेक्ट करो उन्हें जल्दी से क्योंकि वो बहुत ज्यादा अभी घबरा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा उनके जीजा जी बहुत ज्यादा टेंशन में है इस वक्त, क्योंकि अगर साजिद नहीं मिला तो आप समझ सकते हो उनका चैनल भी डूब जाएगा, और चैनल के साथ साथ समझ रहे हो उनके परिवार वाले जो उस पे आस लगा के मतलब चल रहे थे, वो भी सारा चीज डूब जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए साजिद भाई को, उनके घर तक पहुँचा दीजिए। तो ठीक है, और ये जो हमारा चैनल है चिल व्लॉग से, और हम दूसरे भी चैनल पे काम करते हैं, अच्छा ही काम करते हैं इसीलिए अच्छी वीडियो ही बनाते हैं हम। PCR व्लॉग से हमारा दूसरा चैनल है, उस पे भी जाके आप चेक कर सकते हो, हम अच्छा ही काम करते हैं, बुरा काम नहीं करते। और जो साजिद भाई है ये अच्छा ही काम है, अगर मिल जाए बढ़िया, अगर कोई उनसे कॉन्टैक्ट करके और जो है उनके पास पहुँचा दें तो वो हमसे भी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा भले का काम वही करेंगे।